गाइस, आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ पोंचो पैटर्न ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे बोट नेक वाली ब्लाउज है जिसमें लगा हुआ है नेट के फैब्रिक में पोंचो पैटर्न का डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसका जो हुक है वो बैक साइड में है और बैक साइड में इसका कटिंग एंड डिज़ाइन है। तो आप लोग को हुक मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये पूरे हुक जो ओपन होते हैं, और इस ब्लाउज़ को और भी ज़्यादा डिज़ाइनर बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो बीच फोल्ड कर देंगे हम इस पट्टी को। पट्टी जो मैंने लिया वो 2.5 सेंटीमीटर लिया है, उसे एक बार सिंगल एक बार ही फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे तो उसकी जो सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 1 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर सीधे सिलाई कर लेंगे नॉर्मल। मैंने 2 लंबे पट्टी कट करके रखा है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो पट्टी सिलने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा और बिल्कुल सीधे ही हमें लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है। और उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है। फ्रिल को जस्ट हमें कपड़ा लेते हुए उसी तरह फोल्ड करते जाना है, बस ऐसा। बहुत सिंपल है फ्रिल बनाना। तो साइज़ में यही लूँगी फ्रिल का, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। फ्रिल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि फ्रिल बनाते बनाते दोनों कपड़ों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि थोड़ा फ्रिल जो है वो घना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बीच बीच में अगर ज़्यादा कपड़े छूटने जैसे हो जाएंगे तो फ्रिल जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और हमें फिंगर्स कैप पे खास ध्यान रखना है, फ्रिल में अगर हमें कपड़ा कम पड़ जाए तो हमें इस पर कपड़ा भी ज्वाइन कर कर के भी कर सकते हैं। तो टोटल इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मुझे 0.5 सेंटीमीटर से भी कम कपड़े लगे थे, जो वाइट वाले फैब्रिक है ये, और स्काई ब्लू वाले जो नेट के फैब्रिक में जो पोंजो के डिज़ाइन बनाए हुए थे उसमें मुझे 55 सेंटीमीटर के कपड़े लगे थे। फ्रिल को हम नेट के कपड़े के साइड साइड में अब एक सिलाई लगा देंगे ताकि फ्रिल और जो नेट का कपड़ा है वो दोनों अटैच हो जाए और फ्रिल जो है वो बाहर की ओर आ जाए। और अब इस फ्रिल को फिनिशिंग देने के लिए उस पर हम एक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी की जो लंबाई वो 1.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है और पट्टी को डबल फोल्ड करके हम पूरे फ्रिल के साइड साइड में उसे फिनिशिंग के साथ उसे अटैच कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो सिलाई है और एक्स्ट्रा जो धागा साइड के हैं वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, वो हमारी पट्टी पर छिप जाए। तो गाइस, आप देख रहे होंगे फ्रिल लगने के बाद, फ्रिल के ऊपर पट्टी लगने के बाद कितना फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रिल दिखता है देखने में। और जो भी अंदर की जो एक्स्ट्रा सिलाई, एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड वगैरह जो है उसे हम कटिंग कर लेंगे सीजर से। और यहाँ पे हमारा पोंचो पैटर्न ब्लाउज में फ्रिल लग गया है। तो एक सिंपल ब्लाउज़ को मैंने ऐसे फ्रिल का
डिज़ाइन देके इसे और भी ज़्यादा स्टाइलिश मैंने बना लिया है। तो जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो टोटल 16 सेंटीमीटर है, और फ्रिल लगने के बाद आप देख रहे होंगे कि पहले कैसे लग रहा था बिल्कुल सिंपल और अब कैसे लग रहा है। तो जो साड़ी है और साड़ी एंड ब्लाउज़ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डबल लेयर फ्रिल है, तो जो नीचे में देख रहे होंगे वो सिंपल रहेगा, बट हम ऊपर वाले में ही फ्रिल लगाएंगे, दोनों पे लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और बैक साइड से भी आपको मैं दिखा देती हूँ, तो इसका जो हुक है वो बैक साइड में है और बीच से कटिंग है ताकि हुक लगाने पर कोई भी दिक्कत ना हो। और आगे इस वीडियो पर मैंने अटैच कर दिया है कि साड़ी एंड जो ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन है वो वियर करने के बाद कैसा आ रहा है और कैसा स्टाइल आता है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने एक क्लिप ऐड कर दिया है और इसके बैक साइड में इसको हुक जो है ओपन होता है, और बैक साइड में ही इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अंडे आकार वाला जो होता है वैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ बनवाया है, और जो पाइपिंग भी है वही मैंने वाइट कलर में ही करवाया है। तो एक ऐसा सिंपल ब्लाउज़ को आप और भी ज़्यादा यूनिक स्टाइल में बनाने के लिए ऐसा डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फ्रंट से आप देखेंगे तो ये जो ब्लाउज़ है ये है बोट नेक एंड प्रिंसेस कट है, मैंने इसे प्रिंसेस कट में ही करवाया है। और मैं गाइस आप लोग की जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी कमेंट है वो सारे कमेंट में पढ़ती हूँ, धीरे धीरे सभी के रिक्वेस्ट पूरे होने वाले हैं, जो भी कमेंट है वो सारे पूरे होंगे, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखिएगा, मैं वीडियो तो लेकर ही आऊँगी। तो आप सबको ये मेरा ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसे लगा, सेल्फ डिज़ाइन ब्लाउज़, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।